कोई शंका नहीं। माता जी ने बहुत मनाया कि अखीर माता जी ने किया कि जाके सारे पहले तीर्थों पर जाके स्नान करके आ तो फिर माफ करा। सात संगत जी सोच पै गए तो किला साहब नेड़े से वो पिंड रेंदे से नाल बलकत सिंह जी तो सोचा कि किला साहब संत रेंदे ने संत जी किले वाले उन्हों तो वड्डा तीर्थ केड़ा है तो जा किले साहब पहुँचे जाके दीवान च बैठ गए। हजूर रीवनवाल किले वाले पातशाह जी दीवान दर्शन संगत दर्शन दे रहे हैं संगत में। साध संगत जी एक गरीब मांगत हाथ में चिमटा फड़िया आया तो बेनती की महाराज जी मैं बहुत गरीब हाँ मेरे को कुछ भी नहीं तो महाराज जी फरमाते हैं कि तेरे को बहुत कुछ दे चिमटा है सानू दे दे ते चिमटा लैके महाराज जी ने उन्हें बहुत सारी माया दी वो खुशी खुशी चला गया। उधर कीर्तन च महाराज के दर्शन के रंग के बच्चे रंगे हुए बरकत सिंह जी बैठे। महाराज जी ने आने का कारण पूछा जदों दसिया कि इस तरह मेरे को लस्सी का गिलास पीता गया माता जी नाराज ने तो मैं तीर्थ स्नान वास्ते आया तो आप बहुत प्रसन्न हो आप जी उठ के तो वह जरा चिमटा सी वो बरकत सिंह जी को दे दिता तो कहते ने ए लो ये चिमटा लै जा तो बजाया कर कीर्तन करया कर। सात संगत जी कहते हैं कि जिन्हें जिन्हें भी उस चिमटे का कीर्तन सुनिया वो आनंद वो ही जान सकता है वो नहीं कभी भूल सकता। सात संगत जी ये किले वाले पातशाह की सिफत उन्होंने सिफतों का असी पारावार नहीं कर सकता। हूँ ये किले वाले का बचन मनीए एक बचन जो मैं बच्चों ने साझा कराँगा। एक स्कूल च एक बच्चा गुरसिख परिवार का वो रोज़ जदों मिड डे अपना भोजन का समय होता से उस वे अपना थाला धो के उन्हें पीना चूल्हा करना अरदास करना बहुत सारे बच्चे उन्होंने वेख के उसका मजाक उड़ाया करते। सात संगत जी हौली हौली यह गल प्रिंसीपल के कन्ने च पहुंची तो प्रिंसीपल हैरान होए तो आप उन्हें चेक करने वास्ते आए जदों देखिया कि उन्हें एक भी दाना अन्न का जूठा नहीं छड़िया तो धो के पीता तो उन्होंने कारण पूछा तो उस बच्चे ने की उत्तर दिता। पहला तो उत्तर दिता कि मैं उस परम पिता परमेश्वर का सत्कार करना वा जिन्हें कि सानू जीवन के जीने लिए यह भोजन अनाज दिता है। दूसरा सत्कार मैं अपने पिता का करना जिहड़ी मेहनत की कमाई के नाल मेरे वास्ते साडे वास्ते अनाज लैके आउंदे। तीजा सत्कार मैं अपनी माता का करना जिहड़ी अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ के बड़े प्रीत नाल भोजन तैयार करती है तो मैनू देती। चौथा सत्कार मैं देश के उस किसानां नूं करना जिहड़े सर्दी की इन्नी ठंड गर्मी की इन्नी लू की परवाह ना करते हुए भुखे रह के भी साडे लई अनाज पैदा करते। सात संगत जी और प्रिंसीपल और उस स्कूल से इन्ना असर होया प्रभाव होया कि प्रिंसीपल ने सारे बच्चों के सामने कहा कि ठीक है कल तो मैं भी तो स्कूल के सारे बच्चे जोड़े ने वो थाला धो के पीएंगे। सात जी ये वे किले वाले पातशाह का बचन आओ उन्हों का बचन मनिए तो अपना जीवन सफला करिए। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह फतेह फतेह। सात संगत जी एक बेटी हरमनप्रीत कौर